स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक कुमार फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक ट्राइंगल्स, दैट इज चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9th। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वी हैव गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। वी हैव गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इन विच side AC is equals to AD and AB bisects angle A then we have to show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. Second part, BC equals to BD. We have to show that BC will be equals to BD. Now proof. Let us consider two triangles ABC and triangle ABD. So in triangle ABC and triangle ABD. First of all, we have given the side AC is equals to AD. So AC side वो हमें किसके equal given है? AD के equal. Region क्या लिखोगे? Given. सेकेंड, एंगल सी ए बी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, दिस एंगल बिकॉज ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हेंस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बिकॉज ए बी bisects angle A. Third, the side AB is common in both the triangles. इसका मतलब जो साइड AB है ना, वो इस ट्राइंगल ABC में भी आ रही है और ट्राइंगल ABD में भी है. तो हम क्या लिखेंगे? AB common. AB is equals to AB common. और हमें पता, अगर हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी है तो हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 पॉइंट्स. यानी कि या तो मैं क्या करूँ, उसकी तीनों साइड इक्वल दिखा दूँ या दो साइड इक्वल एक एंगल इक्वल शो कर दूँ. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी ए बी डी बाय विच कॉन्ग्रेंसी रूल? बाय साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल. कॉन्ग्रेंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? हमारे कॉन्ग्रेंट हो गई. एंड वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल. इट मीन्स बी सी विल बी इक्वल्स टू बी डी. देयर फोर BC will be equals to BD. What is the reason? By CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangle are equal. CPCT full form क्या होती है? Corresponding parts of congruent triangle. Number second. In question second, we have given ABCD is a quadrilateral in which side AD is equals to BC. ये हमें given है. और angle DAB, यानी कि ये complete angle DAB is equals to angle CBA, इस angle के equal है. ठीक है, now we have to prove the following parts. Part first, we have to congruent triangle ABD, ये वाली triangle ABD एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करनी है? कॉन्ग्रेंट. कौन कौन सी ट्राइंगल? ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल. क्लियर. सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है बी डी साइड ये विल बी इक्वल्स टू साइड ए सी. थर्ड, एंगल ए बी डी यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, दिस एंगल.
दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो अब प्रूफ देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द टू ट्राइंगल्स दैट वी हैव टू कॉन्गेट, इट मीन्स इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी बी डी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्गेंट प्रूफ। और मैंने बताया था अगर हमें दो ट्राइंगल कॉन्गेंट प्रूफ करनी है तो उन दो ट्राइंगल्स के हमें मिनिमम थ्री पार्ट्स क्या करके दिखाने पड़ेंगे, इक्वल्स हो, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी में देखो हमें क्या, साइड ए डी किसके इक्वल गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल में साइड कौन सी है, बी सी, साइड ए डी इक्वल्स टू बी सी, फर्स्ट पॉइंट ये हमें गिवन है, साइड ए डी इक्वल्स टू बी सी, साइड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी साइड कौन सी, ये किसके इक्वल गिवन हमें, बी सी के इक्वल, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये एंगल हमें किसके इक्वल गिवन था, एंगल सी बी ए, इस एंगल के इक्वल, ये भी हमें क्या है, गिवन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, व्हाट इज द रीजन, ये हमें क्या है, गिवन। तो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखो, जो मैंने ग्रीन लाइन बना रखी है ए बी, ये दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ए बी डी में भी है और ट्राइंगल ए बी सी में, दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए बी कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, तीन पॉइंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्गेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल ए बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी बाई विच रूल, कॉन्गेंसी रूल, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस, कॉन्गेंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्गेंस रूल, ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गेंट हो गई, तो वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए सी और ट्राइंगल ए बी डी में साइड बी डी आ रही है, ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी साइड है, ए सी, और ट्राइंगल ए बी डी में बी डी, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल बाई सी पी सी टी, इट मीन्स बी डी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, और सी पी सी टी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो एंगल इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी ए सी, ये एंगल है, और ट्राइंगल ए बी डी में कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल हमारे पास, बी ए सी, और ये इसमें एंगल आ रहा हमारे पास ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल बाई सी पी सी टी, देयरफॉर तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाई सेम रीजन बाई सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना है। तो लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ।